So now विल सी यूजिंग using RCT to टू सपोर्ट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड management. मैनेजमेंट देखिए टेक्नोलॉजी सिर्फ क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि हम मुकम्मल तौर पर पूरे इदारे को और अपने बच्चों को डील करने के लिए मैनेज करने के लिए भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर कैसे यूज होगी इसका मैनेजमेंट हमें क्या फ़ायदा है ये चीज़ें हम देखते हैं

या उनको मैनेज करने के लिए उनके काम को उनकी प्रोग्रेस को टैप करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हमें चाहिए और क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं देन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू आईसीटी इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो अब ये मौका तो खैर हमें ये टेक्नोलॉजी देती है कि हम बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम रिकॉर्ड करें टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके ग्रेड्स को उनकी प्रोग्रेसिस को और फिर शेयर करें एडमिनिस्ट्रेशन से फिर शेयर करें पेरेंट्स से और फिर हम इनको पूरी कम्युनिटी के साथ अपने रिजल्ट्स को और अपने आउटकम्स को शेयर कर सकते हैं बहुत से ऐसे सर्वे हैं जो पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हुआ करते थे पर्सनल जाके चीज़ें सवालनामें भर भरवाए जाते थे जबकि अब हम ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कंप्यूटर के जरिए ले सकते हैं बहुत से ऐसे आ, जैसे गूगल सर्वे है और बेशुमार मंकी सर्वे है जिनके थ्रू हम छोटी छोटी चीजों के बहुत बड़ा डेटा ले सकते हैं यूजिंग आईसी टी टू क्रिएट एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सेंटर तो देखिए जब हम किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों की प्रोग्रेस को उनकी प्रोफाइल्स को सारी चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे फिर उस रिकॉर्ड को हम आ, इदारे के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और इदारे के बाहर भी जब हम पॉलिसीज बनाते हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं यानी टेक्नोलॉजी में चूंकि आप बहुत बड़ा डेटा बेस रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी हो जाएगी बहुत से इदारों की तो उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाने में भी गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है सो शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंटर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज देखिए जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उनके लिए कोई ना कोई डेटा बेस या बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है तो बहुत सी ऐसी एन हैं या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आपकी गवर्नमेंट्स हैं जो उनके बेसिस पे बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाती हैं कि बच्चे इस वक्त कौन सी स्टेज पे है कौन से स्टेज के बच्चे क्या जरूरत रखते हैं कौन सी उनकी लर्निंग नीड्स हैं उनके लर्निंग इंटरेस्ट क्या है कौन से आउटकम्स हम हासिल कर चुके हैं और कौन से आउटकम्स अभी हमें मज़ीद हासिल करने हैं ये सारे फैसले एक अगर बड़ा डेटा बेस होगा तो उसके बेसिस पे करना आसान है सो so, इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पहली है टारगेटिंग टारगेटिंग ये होती है कि कोई आप एक किसी एक फिनिना को टारगेट कर लेते हैं जैसे वो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है या उनकी प्रोग्रेस है या आप देखते हैं कि हमारे इस वक्त चार या पांच साल के बच्चे के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो किस लेवल पे हैं जैसे हमारा एसर है ना हमारे यहाँ एक सर्वे करने वाला इदारा जो तो ये देखता है कि हमारे बच्चे रीडिंग स्किल एक्वायर कर चुके हैं कि नहीं उनकी मैथमेटिकल स्किल्स कितनी है तो बहुत लंबा चौड़ा सर्वे जो है वो किया जाता है तो हम क्या करते हैं टारगेटिंग में किसी एक चीज को फोकस करते हैं फिर उसके ऊपर एक लार्जर डेटा इकट्ठा करते हैं और उस लार्जर डेटा को हम जो हमारे अथॉरिटीज हैं जहां पे पॉलिसीज बनती है उनको मुंतकिल करते हैं देन इंफॉर्मेशनल प्लानिंग अब वो सारी बातें जब हमारे पास एक डेटा बेस आ जाता है तो उसके बेसिस पे फिर हम प्लानिंग करते हैं अब ये प्लानिंग जो है ये बगैर मालूम के तो नहीं हो जाती ये पता किए बगैर के लोगों को किस चीज की जरूरत है तालीमी इदारों में किस किस चीज की कमी है हमारे बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं उनका ज़हनी मैार क्या है कौन सी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कौन से सब्जेक्ट्स नहीं देने चाहिए या पूरी दुनिया के बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं तो हमारे बच्चे कौन से लेवल पे होने चाहिए हम कंपेयर तो करते हैं ना मुस्तकिल कि पाकिस्तानी बच्चों का इस वक्त मैार क्या है जी न्यूज़ीलैंड का क्या है अमेरिका का क्या है तो हमारा काम यह है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो डेटा बेस लिया है उसकी मदद से अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर सकते हैं और जहाँ कहीं हमारी डेफिशेंसीज हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट है सिंक्रोनिसिटी सिंक्रोनिसिटी इज एक्चुअली जितने भी आपके डेटा बेसिस हैं या इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करना है उनको साथ लेके चलना है ताकि जब चीजें इकट्ठी होंगी तो एक कॉमिलेटिव और मजमू इफेक्ट पैदा होगा तो जहां जहाँ बच्चों को जरूरत है जो चीज़ें उनको चाहिए जिस तरह के इक्विपमेंट चाहिए जिस तरह के लर्निंग आउटकम्स हमें चाहिए उन सब चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं दूसरा सिक्रॉनिसी को अगर टेक्निकली बोला जाए तो वो ये है कि आप अपने अपने कंप्यूटर्स को और अपने इक्विपमेंट को जोड़ देते हैं बाकी इदारों के इंफॉर्मेशन के इक्विपमेंट से इस तरह से जो डेटा स्कूलों में रोज के रोज बन रहा होता है वो डायरेक्टली आपके मॉनिटरिंग इदारों के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा होता है और फिर उसके बाद इसी तरह अगर हुकूमत के कोई बड़े सेंटर्स हैं जहाँ सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा हो मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एम के इदारे थे जो पूरे इनमेंट uh, पूरे स्कूलों की इनमेंट फिर उनके इस कितने हैं उनके टीचर्स कितने हैं और उनके यानी बिल्डिंग कैसी है इक्विपमेंट कैसा है उनके रिजल्ट्स कैसे हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी एक, एक ही डेटा बेस में इकट्ठी होती थी और वहाँ से आप एक मजमू तौर पर कोई भी हमें से एक लिस्ट जनरेट कर सकता उनकी वेबसाइट से और इस तरह से हमें मजमू डेटा मिल जाता है इसको हम कहते हैं कि हमने सिंक्रोनाइज किया है हर इस इंफॉर्मेशन को और हम वहाँ पे ग्राउंड से चलते हैं जो हमारे स्मॉल यूनिट्स हैं और फिर हम एक बिगर यूनिट की तरफ उसको ले जाते हैं तो ये टेक्नोलॉजी हमें मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में इस तरह से फ़ायदा दे सकती है कि हम मजमूरी तौर पर इसकी मदद से अच्छी पॉलिसीज भी बना सकते हैं